Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 3, global warming. So students, what you are going to learn in this chapter, first we'll discuss that. So first thing that you learn is what is greenhouse effect, its meaning and causes. Greenhouse effect kya hai, kin karno se ya kin reasons se ye hota hai, global warming kya hai, causes of ozone depletion, ozone layer jo hamare atmosphere mein hai wo kyun deplete ho rahi hai, fir hum dekhenge क्या इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग के, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं वो हम डीप में डिस्कस करेंगे. फिर हम देखेंगे स्टूडेंट्स चेंजिंग पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर. टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के पैटर्न में क्या चेंज आ रहा है वो भी इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. देन वेज टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, वो ग्लोबल वार्मिंग जो हमारी आइस के मेल्ट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ग्लेशियर के मेल्ट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सी लेवल के राइज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स ग्रीन हाउस क्या होता है. ग्रीन हाउस ट्रांसपेरेंट ग्लास, ग्लास मतलब होता है कांच, कांच होते ना कांच के घर, वैसे ही ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना हुआ होता है ग्रीन हाउस. ठीक है, ग्रीन हाउस एक बिल्डिंग है जिसका जो रूफ होगा, रूफ मतलब जो छत होगी, या जो छत और वॉल्स दोनों ही, जो उसकी छत होगी वो भी ग्लास से बनी होगी बेटा, और जो उसकी दीवारें होंगी वो भी किससे ही बनी होंगी, ग्लास से बनी होंगी. क्या क्या, ये जो दीवारें हैं ये भी ग्लास से बनी होंगी और जो छत है वो भी ग्लास से बनी होगी, ग्लास मतलब कांच से बनी होगी. ये कहाँ बनाए जाते हैं, बेसिकली ये कोल्ड रीजन में बनाए जाते हैं, ठंडे जगहों पर बनाए जाते हैं, टू ग्रो प्लांट्स वेजिटेबल्स एंड फ्लावर. किस किस को ग्रो करने के लिए, प्लांट्स को, वेजिटेबल को, फ्लावर्स को. सन लाइट एंटर्स थ्रू द ग्लास एंड वार्म्स अप सॉइल प्लांट इनसाइड. बच्चा कांच से, कांच के घरों में जो कांच से जो छत बनाई है आपने या जो दीवारें बनाई है, वॉल्स बनाई है, उससे सनलाइट अंदर आएगी, यहाँ जो सॉइल है उसको भी गर्म करेगी और जो प्लांट्स हैं उनको भी गर्म करेगी, हीट देगी. वार्म सब लिखा है यहाँ पर, है ना. अब जो वार्म सॉइल होगी, जो मिट्टी गर्म हो गई होगी, एमिट लॉन्ग वेव रेडिएशन. ये क्या जनरेट करेंगे स्टूडेंट, लॉन्ग वेव रेडिएशन, और वो भी कौन सी, इंफ्रारेड, विच आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ द ग्लास. ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होगी जिसमें कि बेसिकली कौन होगी, इंफ्रारेड, ये ग्लास हाउस से बाहर नहीं आ पाएंगी. इट मीन्स हमने इस ग्लास हाउस में एनर्जी को, हीट को ट्रैप कर लिया है. आने का रास्ता तो है बाबू, पर जाने का नहीं है. ठीक है बात. थस द ग्रीन हाउस स्टेज वार्मर देन आउटसाइड. बच्चा हमने इसको बनाया कहाँ पर, एक कोल्ड रीजन में बनाया है, किसको ग्रो करने के, प्लांट वेजिटेबल और फ्लावर्स को ग्रो करने के लिए. तो हम ये जो ग्रीन हाउस होगा इसके अंदर टेम्परेचर को थोड़ा सा ज़्यादा वार्म रख सकते हैं देन आउटसाइड, क्योंकि इसको बनाया इस तरीके से गया है कि हीट एमिट मतलब बाहर की तरफ ना आए. सो स्टूडेंट कुछ इस टाइप का होता है आपका ग्रीन हाउस, छत भी कांच की, दीवारें भी कांच की, और यहाँ सुंदर सुंदर पौधे लगे हैं, प्लांट्स हैं जो कि ग्रो कर रहे हैं, वार्म अप हो रहे हैं किससे, और सीड से, जिसको इस कांच ने पकड़ के अंदर रख लिया है और बाहर जाने नहीं दे रहा है. सो बेसिकली हियर यू हैव टू लर्न दैट ग्रीन हाउस इज अ बिल्डिंग विच इज मेड बाय ग्लास फॉर ट्रैपिंग हीट इन कोल्ड रीजन. सिंपल, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कुछ कम नहीं. क्या लिखोगे ग्रीन हाउस में, ग्रीन हाउस इज अ बिल्डिंग विच इज मेड फॉर ग्रोइंग फ्लावर्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन कोल्ड रीजन विच ट्रैप्स द हीट इन सच अ वे दैट इट विल नॉट रिलीज और कम आउट ऑफ दैट ग्लास. ओके चलो अब हम देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है. बच्चा ये जो हमारी अर्थ है, जैसे कि ये जो कांच का छोटा सा घर बना के आपने बोल दिया ये ग्रीन हाउस है, तो बेटा ऐसी ही जो हमारी अर्थ है वो भी एक जाइंट ग्रीन हाउस है जो हीट को अब्जॉर्ब करती है, जाने वापस नहीं देती, ये बहुत अमाउंट में नहीं जाने देती, मैक्सिमम रख लेती है. इट इज़ सराउंडेड बाय एन एनवलप ऑफ एयर. हमारी जो अर्थ है उसके पास 1600 किलोमीटर तक क्या है बच्चा, एनवलप ऑफ एयर. Our earth is surrounded by air, और वो भी कहाँ तक, 1600 किलोमीटर तक.
विच एज गैसेज. अब उसमें कौन से गैसेज हैं बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर वेपर भी है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम शॉर्ट में CFC भी कहते हैं. तो अर्थ भी क्या है स्टूडेंट, एक जाइंट ग्रीन हाउस है, जिसको हमारी अर्थ को आसपास से किसने कवर किया हुआ, एयर ने. एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और इन्हीं गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं. क्या बोलते हैं बच्चा, ग्रीन हाउस गैसेस. तो इफ़ योर टीचर विल आस्क राइट डाउन द नेम ऑफ 3 or 4 ग्रीन हाउस गैसेस, फर्स्ट यू विल राइट कार्बन डाइऑक्साइड, देन वाटर वेपर, देन मीथेन, देन नाइट्रोजन ऑक्साइड और एट लास्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन. द ग्रीन हाउस गैस अलाउज द सन हीट टू रीच द अर्थ सरफेस. ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये जो सन की रोशनी है, सन की जो हीट है, लाइट है, इसको अर्थ तक पहुँचने देते हैं, ठीक है. बट डू नॉट अलाउड इंफ्रारेड, पर यहाँ से यहाँ तक तो पहुँचने देते हैं बेटा, पर यहाँ से वापस पहुँचने नहीं देते, वापस नहीं जाने देते, ठीक है. बट डू नॉट अलाउ द रेडिएशंस टू एस्केप फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. दिस हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय ग्रीन हाउस. और ये जो हीट होती है बच्चा, ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या कर लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती है. हमने देखा ना कि सन से एनर्जी अर्थ तक तो पहुंच रही है, पर ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ऐसे वापस बाहर नहीं जाने दे रही हैं. तो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या करती हैं बच्चा, इस हीट को अब्सॉर्ब करके रख लेती हैं, पकड़ के रख लेती हैं और रिटर्न नहीं होने देती, ठीक है. This is in turn heats up the entire atmosphere. और क्योंकि ये गैसेज हीट को ट्रैप करके रख रही हैं, तो ये पूरे एटमोसफियर को गर्म करेंगी, है ना. देखो ये रही हमारी अर्थ, अर्थ के आसपास हर जगह यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर मिलेगा, है ना. ये रहा सन से जो एनर्जी आई, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पर जब जाने की बारी आई तो ये जो गैसेस थी, इन्होंने इसको ट्रैप करके रख लिया. अब ट्रैप करके रख लिया तो बेटा जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये क्या हो जाएगा, हीटअप नहीं हो जाएगा, गर्म नहीं हो जाएगा, हो जाएगा. नाउ दिस होल साइकिल एंड इट्स इफेक्ट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. ये पूरी साइकिल सन से अर्थ तक आना, अर्थ से वापस ना जाना बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट. ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है स्टूडेंट, इसको पहली बार डिस्कवर किया था एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था JBJ फॉरियर इन 1827. ओके, तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, पहली बार फ्रेंच साइंटिस्ट JBJ फॉरियर ने 1827 में, है ना, कब बचा, 1827 में फ्रेंच साइंटिस्ट JBJ फॉरियर ने पहली बार डिस्कस किया था किसको, ग्रीन हाउस इफेक्ट को. अब हम लोग देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है. इन द पास्ट 100 ईयर, पिछले 100 सालों में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स ऐसे की हैं जिन्होंने एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक को क्या किया है, चेंज किया है, ठीक हुई बात. पास्ट 100 ईयर्स वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर चेंजिंग द कैरेक्टर ऑफ कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है, जो नेचुरल कंपोजिशन था गैसेस का, उसमें हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं बच्चा, कोल, पेट्रोल, डीजल, दीज ऑल आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. तो फॉसिल फ्यूल्स का जब आप बर्न कर रहे हो, जला रहे हो, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, कटिंग ऑफ ट्रीज, ट्रीज को कट करते जा रहे हो, एंड एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूनिट, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज आपने खोल दी हैं, उससे भी एमिशन हो रहा है, रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. इससे क्या हो रहा है बच्चा, ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती जा रही हैं. कहाँ रिलीज हो रही हैं, एटमोसफियर में. आई बात समझ में, तो आप जो फॉसिल फ्यूल जला रहे हो, मतलब जो डीजल, पेट्रोल का यूज़ कर रहे हो, पेड़ों को कट करते जा रहे हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज आपने बना दी हैं, इन सब से क्या रिलीज हो रही है बेटा, ग्रीन हाउस गैसेस. और स्टूडेंट्स कोई पूछेगा कि ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किस ग्रीन हाउस गैस का है ग्लोबल वार्मिंग में, तो बंद करके भी लिख देना स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. ये ही वो दुष्ट गैस है जो क्या बढ़ा रही है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है. सो
सो स्टूडेंट, अकेले हमारे कार्बन डाइऑक्साइड 50% तक रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, मतलब जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसमें 50% अकेले कॉन्ट्रीब्यूशन है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं कि क्यों इंक्रीज हो रहा है एयर टेम्परेचर कंटिन्यूसली, इज द राइज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर बढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरमेंट में बढ़ती जाएगी, ये उतनी ही ज़्यादा हीट को अब्सॉर्ब करेगी और हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देगी। ठीक है, बात इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अगर हम बात करें कि क्या मेन रीज़न है इंक्रीज का एयर टेम्परेचर का, तो क्या बोलोगे? राइज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन एटमॉस्फेयर। इसी को क्या बोलते हैं बच्चा? ग्लोबल वार्मिंग। थस ग्रीन हाउस इफेक्ट हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। ऑब्वियसली बात है बच्चा, ग्रीन हाउस की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। इन दोनों का बहुत बढ़िया रिलेशन है। ग्रीन हाउस गैसेस जितनी ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में होगी, उतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्योंकि ये गैसेस जानी ही इसलिए जाती हैं क्योंकि ये हीट को ट्रैप करके रख लेती हैं, अब्जॉर्ब कर लेती हैं। सो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल हैव सीन चैप्टर 2 वीडियो, दैट इज एटमॉस्फेयर। इन दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑल द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर एंड आफ्टर ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर देयर एंड ओजोन लेयर इज देयर इन दैट। सो दिस ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज दिस ओजोन लेयर इज सेविंग अस फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उससे हमें बचाने का काम करती है ये ओजोन लेयर। पर हम इतना ज़्यादा कार्बन सीएफसी एमिट कर रहे हैं कि ये लेयर भी क्या होती जा रही है बच्चा? डिप्लीट, कम होती जा रही है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। डिप्लीशन मतलब कम होना, खत्म होना। ठीक है, ओजोन अकर्स यूजुअली थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर। ओजोन हमारे अर्थ के पूरे एटमॉस्फेयर में आपको मिल जाएगी। इट्स मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इन स्ट्रेटोस्फेयर। पर ये किस लेयर में मिलती है? स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है। इसका सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किस लेयर में मिलता है? स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है। 25 to 30 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, हमारे अर्थ सरफेस के 25 to 30 किलोमीटर अबव आपको जो लेयर मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे? ओजोन लेयर। और ये किसका पार्ट है बच्चा? स्ट्रेटोस्फेयर का पार्ट है। 1 मार्क में मैम पूछ सकती है कि एटमॉस्फेयर की किस लेयर में आपको ओजोन लेयर मिलेगी, तो आप लोग क्या बोलेंगे बच्चा? स्ट्रेटोस्फेयर में मिलेगी। ठीक है अच्छा स्टूडेंट, ओजोन लेयर का ये एडवांटेज है हमारे लिए कि सन से आने वाली, किससे आने वाली बच्चा? सन से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज होगी उससे ये अर्थ को क्या करता है बच्चा? प्रोटेक्ट करता है। भाई बात समझ में? पर अगर ये अर्थ के बहुत पास रह गया, अभी तो ये कितना दूर है अर्थ सरफेस से? 25 to 30 किलोमीटर दूर है। पर अगर ये बच्चा अर्थ के पास में होती, बहुत ज़्यादा पास में होती, तो ये हमारे प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल होती। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट स्टूडेंट इट्स थिकनेस अबव इक्वेटर इट इज़ 0.29 सेंटीमीटर, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से 290 DU, एंड ऑन द पोल्स इन विंटर सीजन इट इज़ 0.40 सेंटीमीटर और 400 DU। आई बात समझ में? अगर आप देखोगे इक्वेटर के ऊपर इसकी एवरेज थिकनेस क्या होती है बच्चा, तो होती है 0.29 सेंटीमीटर। पर अगर हम पोल्स की बात करें तो पोल्स के ऊपर इसकी एवरेज थिकनेस होती है 0.40 सेंटीमीटर। अब ओजोन लेयर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हार्मफुल शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आती है उसको अब्सॉर्ब कर लेती है और हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। तो आई बात समझ में स्टूडेंट? ये जो ओजोन लेयर है ये अब्सॉर्ब कर लेती है हार्मफुल शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जो सन से निकलती है, और इस तरीके से ये अर्थ के ऊपर जितनी भी लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करती है। ये अल्ट्रावायलेट रेज अगर हमें लग जाए स्टूडेंट्स डायरेक्टली, ओजोन इन्हें ना अब्सॉर्ब करे, तो हमें क्या होगा बच्चा? स्किन कैंसर। एम आई क्लियर हियर? यस। द डिप्लीशन और थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर विल मीन
द अराइवल ऑफ मोर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑन अर्थ. अगर हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट होती है या पतली हो जाती है तो इसका दूसरा मतलब क्या है बच्चा, कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ तक आएगी, मतलब कैंसर के केसेस बढ़ेंगे और दूसरे हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. दीज कैन कॉज सीरियस डैमेज टू द वेरियस लाइफ फॉर्म्स इन द बायोस्फीयर. हमारे बायोस्फीयर में जितना भी लाइफ फॉर्म है उसको सीरियस डैमेज देगा इसका डिप्लीशन या थिकनिंग किसकी, ओजोन लेयर की. ओजोन लेयर जो है स्टूडेंट अबव 200 DU इज कंसिडर्ड नॉर्मल. तो बच्चा एवरेज थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 200 से ऊपर होनी चाहिए, पर अगर इसकी थिकनेस कहीं पर भी 200 DU से लेस देन है तो इसको हम बोलेंगे ओजोन होल, विच स्टैंड्स फॉर थिनिंग डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. कहीं पर भी जब ओजोन लेयर थिन हो जाए, डिप्लीट हो जाए, तो उसे क्या बोलोगे, ओजोन होल. अच्छा दूसरी बात, इसकी जो थिकनेस है कितनी होनी चाहिए, 200 से अबव होगी, ऊपर होगी तो ये नॉर्मल है, पर 200 से कम हो गई तो मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, ओजोन होल. अब स्टूडेंट हम बात करें कि ओजोन होल या ओजोन डिप्लीशन क्यों हो रहा है, तो इसके लिए जो सबसे बड़ा कॉज है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो है हमारी CFC. क्या है बच्चा, CFC, ठीक है. सो स्टूडेंट द मेजर कॉज फॉर ओजोन डिप्लीशन इज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ओके, तो अच्छा ये जो CFC है बच्चा ये करती क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन करती क्या है, ये ओजोन को काय में बदल देती है बच्चा, ऑक्सीजन में बदल देती है. जो ऑक्सीजन है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को बच्चा एब्जॉर्ब नहीं करती है. आई बात समझ में, वैसे भी हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, अगर इसमें कैपेसिटी होती कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर पाती तो ओजोन लेयर की इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं होती, आज हम उसको इस टॉपिक के अंदर पढ़े ही नहीं रहते होते. तो ये जो CFC है ये बहुत ही बेकार गैस है, क्योंकि ये हमारी ओजोन को काय में कन्वर्ट कर देती है ऑक्सीजन में, जो कि के जो ऑक्सीजन है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है. अच्छा हम बात करें कि CFC के अलावा कौन सी गैसेस हैं जो ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है मीथेन और नाइट्रियस ऑक्साइड. ये दोनों भी बड़ी ही दुष्ट गैसेज हैं. चलो अब बच्चा एक काम बहुत अच्छा हम लोग करते हैं, हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, वो भी लार्ज स्केल पे. व्हेन यू आर गोइंग टू कट फॉरेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड डीफॉरेस्टेशन. आई बात समझ में, आप जब लार्ज स्केल पे पेड़ों को काट देते हो जो कि एक बहुत ही बुरा काम है, इसको क्या बोलते हैं, डीफॉरेस्टेशन. ये हम कर रहे हैं बच्चा ह्यूमन बींग, ठीक है. और क्या बना रहे हैं, उससे फार्म लैंड बना रहे हैं फॉर एग्रीकल्चर, कि हम क्रॉप प्रोडक्शन कर सकें. इससे भी ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही हैं हमारे एटमॉस्फेयर में. देखो कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन कौन करते हैं बच्चा, फॉरेस्ट करते हैं, ट्रीज करते हैं, प्लांट्स करते हैं ना. जब वो अपना फूड बनाते हैं तो उसमें किसका यूज़ करते हैं बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं ना, है ना, और बदले में ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं. पर ट्रीज को कट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन अब्जॉर्ब करेगा, हम तो करने से रहे, हम तो रिलीज ही करते हैं. विच लेड टू एक्यूमुलेशन ऑफ सच गैस, और इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट होती जा रही है. एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है. द हम फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, कोल को, पेट्रोल को, डीजल को, जिससे ये सिचुएशन और अग्रावेट हो रही है और बढ़ती जा रही है, और ग्रीन हाउस गैसेस को हम ऐड करते जा रहे हैं. स्टूडेंट आप लोग क्लास 7 में हो, पर मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे आज ही अभी ही बाइक स्कूटी वगैरह चलाने लग गए होंगे. ना चलाओ बेबी अभी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जो अच्छा नहीं है. Now we'll see the impact of global warming. ये जो global warming बढ़ गई है इसके क्या impact है, क्या दुष्प्रभाव है. देखिए जितनी ज़्यादा carbon dioxide concentrate होगी और दूसरी भी अदर गैसेज जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं एटमोसफियर में बढ़ेंगी, तो इसके बहुत एडवर्स, बहुत ख़राब इफेक्ट्स आएंगे किस पे, अर्थ की क्लाइमेटिक कंडीशंस पे, एंड मे कॉज मेनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, और बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और भी आएंगी. हम कुछ को मेंशन करते हैं, पहली प्रॉब्लम पढ़े, सी लेवल में चेंज आएगा. और सी लेवल में क्या चेंज आएगा बच्चा, सी का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है. द राइज इन सी लेवल इज एन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग का एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट, ये दुष्प्रभाव ये है कि बच्चा सी लेवल बढ़ता जा रहा है. ये
फोर मेन रीज़न के कारण हो रहा है, वो देखो कैसे, जो हमारे ग्लेशियर पे हमारे माउंटेन है, माउंटेन पे जो आइस कैप्स हैं, जो ग्लेशियर हैं, वो मेल्ट होते जा रहे हैं. क्या होते जा रहे हैं? मेल्ट होते जा रहे हैं. बच्चा ये मेल्ट होंगे तो इनका पानी कहीं ना कहीं किस में मिल जाएगा? ओशन में मिल जाएगा, रिवर्स में मिल जाएगा. तो ओशन का लेवल क्या कर जाएगा बच्चा? इससे राइज कर जाएगा. ठीक है. दूसरा, थर्मल एक्सपांशन ऑफ सी वाटर. सी वाटर एक्सपांड कर रहा है. मेल्टिंग ऑफ आइस शीट इन ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड में बहुत बड़ी बड़ी आइस शीट्स हैं बच्चा, जो भी क्या करती जा रही है, मेल्ट होती जा रही है. मेल्टिंग ऑफ आइस शीट इन अंटार्कटिका. हमारे अंटार्कटिका में भी, अंटार्कटिका इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट कॉन्टिनेंट. उसको व्हाइट कॉन्टिनेंट बोलते ही क्यों है बच्चा? क्योंकि वो हमेशा बर्फ से ढका होता है. वहाँ पर भी आइस मेल्ट हो रही है. ग्रीनलैंड में भी आइस शीट मेल्ट हो रही है. सी वाटर में थर्मल एक्सपांशन हो रहा है. ये चार रीज़न की वजह से बच्चा हमारा सी लेवल बढ़ रहा है, जो कि हमारे किसके लिए बच्चा बहुत बेकार है, हमारे आइलैंड के लिए तो एक तरीके से थ्रेट है. ऐसा कहा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग का रेट अगर यही रहा बढ़ने का, तो मालदीव्स जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो एक दिन सबमर्ज कर जाएगा पानी के अंदर. अगर हम पास्ट 100 ईयर्स की बात करें स्टूडेंट, तो सी लेवल 1 to 2 सेंटीमीटर पर ईयर से बढ़ता जा रहा है. एंड दिस इज ह्यूज स्टूडेंट, ह्यूज. हम अगर पास्ट 100 ईयर की बात करें तो जो सी लेवल है वो 1 or 2 मिलीमीटर से बढ़ता जा रहा है हर साल. हर साल बढ़ रहा है तो सोच लो कितना बढ़ गया होगा. द राइजिंग सी लेवल में कॉज फ्लड. अब सी लेवल राइज होगा तो बच्चा फ्लड आएगी कोस्टल एरियाज में. सम आइलैंड नेशंस, कुछ आइलैंड नेशंस जैसे कि स्टूडेंट्स हमारा मालदीव्स, मैंने पहले भी बताया, मालदीव्स में टोटली सबमर्ज्ड. मीनी बिग सिटीज एंड सी पोर्ट्स इन कोस्टल एरियाज आर थ्रेटन्ड. स्टूडेंट्स देखो, मैं शुरुआत से बोलती हूँ आपको कि जब भी आपको वीडियो बनाने हैं तो फोटोज़ थोड़ी अच्छी तो भेजो बेटा. ऐसे फ़ोटोज़ में कैसे वीडियो बनेगा, है ना? फ़ोटो एक बार पीडीएफ पहले खुद देखो, पहले फ़ोटो सही से क्लिक करो, बुक को प्रॉपर रखो, फिर फ़ोटो क्लिक करो और प्रॉपर पीडीएफ भेजो. भाई ऐसे काम नहीं करना. तो चलो, तो कुछ आइलैंड नेशंस जैसे कि मालदीव्स हैं, वो टोटली सबमर्ज पानी के अंदर डूब जाएंगे. बहुत बड़ी बड़ी सिटीज, कोस्टल एरिया में भी डिवास्टेटिंग फ्लड आएगी. थस द चेंज इन सी लेवल विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट, टूरिज्म एंड एग्रीकल्चर. बेटा मालदीव्स की इकोनॉमी टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी थी, ठीक है? तो ऐसे ही दूसरी एरियाज जहाँ पे टूरिज्म है, एग्रीकल्चर है, ह्यूमन सेटलमेंट है, इन सब के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है अगर सी लेवल इसी तरीके से राइज करता गया तो. चलो अब इंक्रीज इन टेम्परेचर देख लेते हैं. ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ता जा रहा है, विच कैन फर्दर कॉज द एमरजेंस ऑफ न्यू डिसीज. नई नई बीमारियां हो जाएंगी. पहली बात तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा है, बैक्टीरिया उतना ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई करता है वार्मर कंडीशन में. जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, बैक्टीरिया की ग्रोथ भी बढ़ती जाएगी. द इंक्रीज इन टेम्परेचर, द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ओशन कैन कॉज फ्रिक्वेंट हरिकेन्स. और बच्चा ध्यान रखो कि अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ना ओशंस में, तो हरिकेन्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है? बहुत सारे तूफान आएंगे जो हमसे झेले नहीं जाएंगे. और बच्चा अगर टेम्परेचर ऐसा ही बढ़ता रहा तो वो दूर नहीं जब पानी की बिल्कुल कमी हो जाएगी, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर आ जाएगी. हायर टेम्परेचर के कारण ये भी होता है कि पानी की शॉर्टेज आती है. ये जो इम्पैक्ट है मे कॉज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ऑब्वियसली बात है, जब पानी नहीं होगा, हरिकेन आएंगे, फ्लड आएंगे, डिवास्टेटिंग इफेक्ट होंगे, तो ऑब्वियसली बात है हमारी कंट्री को इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी. इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? जहाँ बाढ़ आएगी वहाँ पर बहुत सारी फंडिंग देनी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा उस एरिया को, वहाँ के लोगों को रिहैबिलिटेट कराना पड़ेगा. तो इसमें क्या लगेगा? पैसा लगेगा ना भाई. तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी इससे जनरेट हो जाएंगी. आप देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कैन ऑल्सो कॉज द, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बच्चा वो फ्लोरा एंड फौना, फौना बोले तो एनिमल एंड फौना, फ्लोरा बोले तो प्लांट. बच्चा वो प्लांट एंड एनिमल, फ्लोरा एंड फौना जो कि मराइन ओशन के अंदर रहते हैं, उन
पे भी बैड इफेक्ट आएगा और बहुत सारे तो डिसअपियर हो जाएंगे, ख़त्म ही हो जाएंगे। हम लोग देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ने से बहुत सारी जगह कोरल डाई करते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। इट कैन ऑल्सो इफेक्ट द वेदर बाई शॉर्टनिंग द विंटर सीजन, मोर ड्राई वेदर एंड इंक्रीज इन रेनफॉल, रेनफॉल बढ़ जाएगी, ड्राई वेदर रहेगा और विंटर सीजन शॉर्ट होता जाएगा। और क्या क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं हम कि इससे और क्या क्या चेंजेस होंगे? तो वो चेंज ये होगा, जो मीन सरफेस टेम्परेचर है वो ऑलरेडी 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया है पास्ट सेंचुरी, मतलब पिछले 100 सालों में हमारा जो एवरेज मीन सरफेस टेम्परेचर है वो कितने से बढ़ गया बच्चा? 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है, ठीक है। देन स्नो कवर डिक्रीज होता जा रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो पहले क्या था बच्चा, स्नो कवर था, वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। आर्कटिक सी आइस एंड अदर प्लेसेस, आर्कटिक सी में जो आइस थी वो दूसरी प्लेसेस पे हर जगह ही बच्चा कवर कम होता जा रहा है। इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेनफॉल एंड थस डिवास्टेटिंग फ्लड, रेनफॉल की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल इंक्रीज होती जा रही है और उसके इंक्रीज होने से क्या होता है बच्चा, फ्लड। अभी आप लोग अगर न्यूज़ सुन रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि हमारे असम में अभी बाढ़ आ गई है। अभी तो रेनफॉल होना स्टार्ट भी नहीं हुई पर असम में तो फ्लड भी आ गई, तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हो रहा है। अ मॉडेस्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कैन बी बेनिफिशियल टू द नेचुरल वर्ल्ड, अच्छा एक लिमिटेड अमाउंट में ग्लोबल वार्मिंग रहेगी तो हमारे नेचुरल वर्ल्ड के लिए बेनिफिशियल है, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल कैसे है देखेंगे। देखिए आपकी फ़ोटो कितनी प्यारी है, चलो तो मैं पढ़ दे रही हूँ, ध्यान रखना। जो हीटिंग कॉस्ट विल बी लेस फॉर दोज लिविंग इन कोल्डर एरियाज, बच्चा अगर ग्लोबल वार्मिंग थोड़े अमाउंट में लिमिटेड अमाउंट में है तो वो हमारे लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है? देखो जितने भी कोल्डर एरियाज़ में घर होते हैं, जो लोग रहते हैं उनको अपने घर को हीट करते रहना पड़ता है बच्चा, तो अगर थोड़ी बहुत ग्लोबल वार्मिंग रहेगी तो जो हीटिंग कॉस्ट होता है घर को गर्म करने का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। जो मार्जिनल फार्म लैंड्स हैं हायर एल्टीट्यूड्स पे माइट बिकम मोर वायबल, मतलब देखो ये हायर लैटीट्यूड्स की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा ठंडे जो लैटीट्यूड्स हो जाते हैं हायर लैटीट्यूड्स, यहाँ पर फार्मिंग की मुश्किल बात होती है, तो यहाँ पर भी फार्मिंग पॉसिबल हो पाएगी, वायबल हो जाएगी अगर अगर ग्लोबल वार्मिंग लिमिटेड रहेगी तो, ज़्यादा नहीं मतलब थोड़ी बहुत बड़ी रहेगी तो यहाँ पर फ़ायदा होगा। वार्मर विंटर्स कुड मीन लॉन्गर ग्रोइंग सीजन, जितनी ज़्यादा विंटर्स वार्म होगी उसका मतलब है कि आपका ग्रोइंग सीजन उतना ही बढ़ता जाएगा। वार्मर वर्ल्ड वुड प्रोबेबली बी अ बेटर वर्ल्ड, जितना मतलब थोड़ा बहुत वार्म वर्ल्ड हो, गर्म वर्ल्ड हो तो वो बेटर वर्ल्ड होता है, प्रोबेबली बी अ बेटर वर्ल्ड। दिस कुड बी यूजफुल फॉर बोथ प्लांट एंड एनिमल, बेटर का मतलब क्या है वो ये वाला बेटर नहीं, ये वाला वेटर मतलब जहाँ गर्मी होगी वहाँ बारिश होगी ही होगी और जहाँ बारिश होगी वो प्लांट और एनिमल दोनों के लिए यूज़फुल है। अब ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम कर सकते हैं? ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंजेस हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑन सी लेवल, जो ग्लोबल वार्मिंग है स्टूडेंट उसका बहुत ही बुरा प्रभाव है हमारी सी लेवल पे, फूड प्रोडक्शन पे, बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होती जा रही है, फ्रेश वाटर नहीं मिल पा रहे हैं हमें, फ्रेश वाटर हमारा मेल्ट होके ओशन में चला जा रहा है, ह्यूमन हेल्थ नहीं ठीक रह पा रही है, तो इससे बहुत सारी कैलामिटीज़ आएंगी। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि भैया हम कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें। पहली बात तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करना है, रिड्यूस करना है, और ये कैसे होगा जब आप फॉसिल फ्यूल का यूज़ बंद कर देंगे। हमें अल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को तलाश करना है, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी एंड बायोमास, ये बिल्कुल नॉन पोल्यूटिंग है और कभी भी ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ना ही तो विंड एनर्जी करेगी, ना सोलर, ना हाइडल। देन हमें बच्चा जो हवा विंड से जो एनर्जी मिलेगी उसे विंड एनर्जी, सन से एनर्जी मिलेगी सोलर एनर्जी, और पानी से जो एनर्जी मिलेगी उसे हाइडल एनर्जी बोलते हैं। मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर, आप अगर किसान हैं, फार्मर हैं, तो आपको नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का यूज़ कम कर देना है बच्चा। इससे भी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कम एमिट होंगे, ठीक है। बात CFC जो डायरेक्ट हमारे रेफ्रिजरेटर ACs
से निकलती है, उसके लिए कुछ और अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा कि भाई रेफ्रिजरेटर में, एसीज में क्या हम किसी और गैस का यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, वेजिटेशन कवर ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, फाइंड वेज टू डिस्पोज द प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे किस तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं, फाइंड वेज टू डिस्पोज द प्रोड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैसेस, जो भी ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस हो गए उनको डिस्पोज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर एटमॉस्फेयर में जो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं क्या किसी तरीके से हम उनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कैन बी रिड्यूस्ड ओनली थ्रू इंटरनेशनल अवेयरनेस कैंपेन एंड कोऑपरेशन। बेटा जब तक इंटरनेशनल अवेयरनेस नहीं होगी, कैंपेनिंग नहीं होगी, कोऑपरेशन नहीं होगा, हम ग्लोबल वार्मिंग कम कर ही नहीं पाएंगे। सो इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू एनी डाउट एनी प्रॉब्लम डू राइट इन कॉमेंट सेक्शन। और एक ही विनती है बच्चा, क्लिक एंड मेक नाइस पीडीएफ, ठीक है। चलो।